जो मैं आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि फ्री फायर सहित 54 ऐप्स को एप्लीकेशन जो है बैन कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट ने। जी हाँ, इसमें एक फ्री फायर भी शामिल है, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन भी शामिल है, जैसे ऐप्स लॉक हो गया, विवा वीडियो एडिटर हो गया, ब्यूटी कैमरा हो गया, सेल्फी कैमरा हो गया, फ्री फायर हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री फायर जो 54 नंबर यानी कि लास्ट पे इनको दिया गया, यानी कि टोटल 54 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट, 54 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। अगर आप अभी प्ले स्टोर में आएंगे तो प्ले स्टोर में चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फ्री फायर हम सर्च कर रहे हैं, और जैसे ही फ्री फायर यहाँ पे सर्च करें यहाँ पे आपको फ्री फायर नहीं मिलेंगे। हालांकि फ्री फायर का जो दूसरा वर्जन है मैक्स वर्जन वो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन वो कितने दिनों तक यहाँ पे प्ले स्टोर पे रहा था ये किसी को भी नहीं पता है। अगर ये भी गायब हो जाएगा तब तो बहुत ही दिक्कत ही बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं भी कभी कभी जो फ्री फायर खेलता था, बैन करने का एक ही रीज़न है प्राइवेसी, यानी कि डाटा। अगर आपका डाटा मान चलिए सिक्योर ही नहीं रहेगा तो उन एप्लीकेशन को यूज करने का क्या मतलब है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं उसे अलाउ परमिशन देते हैं, फोटो गैलरी, तो वहीं पे सबसे बड़ी बात जो है आप उनका डाटा सेव रहता है, चाहे आप फोटो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे किसी भी प्रकार को डाटा या प्राइवेसी आप कह सकते हैं, लेकिन अब कोई भी उपाय नहीं है अब, क्योंकि फ्री फायर भी बैन कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे बता दूँ, जब पबजी बैन हुआ था तो फ्री फायर के लोग बहुत खुश हो रहे थे, अब जब फ्री फायर बैन हुआ है तो पबजी के लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं। दिया गया उन एप्लीकेशन में मिलियन से मिलियन डाउनलोड थे, तो आप समझ सकते हैं कितने यूजर थे और कितने यूजर का डाटा जो है लीक किया जा रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट आया है, आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, और यहाँ पे ये जो डाटा चाइना के साथ लीक किया जा रहा था। जो जितने भी सारे यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं 54 एप्लीकेशन, इनमें से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज करते होंगे तो आपका डाटा जो है कहीं ना कहीं वो सप्लाई कर रहा था, लीक वहाँ पे हो रहा था। इसी कारण से जो है कि इंडिया के लोग सेफ रहे, 54 एप्लीकेशन समाप्त हो चुके हैं, जिनमें कि फ्री फायर, एप्स लॉक, ब्यूटी कैमरा, विवा वीडियो एडिटर, बहुत सारे यूट्यूबर तो विवा वीडियो एडिटर से यहाँ पे अपना वीडियो को एडिट करते थे। उनके पास बहुत सारे और भी रास्ते हैं जो कि मार्केट में और भी सारे एप्लीकेशन पड़े हुए, उनसे एडिट कर सके। कितने दिनों तक जो इसके फ़ोन में इंस्टॉल था वो कितने दिनों तक चलेगा ये तो अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो भी आप नेटवर्क यूज करते जैसे एयरटेल, जियो, वोडा, अगर इन्हीं सब को कह दिया जाए कि आपके नेटवर्क से ये फ्री फायर ये एप्लीकेशन नहीं चलना चाहिए तो नहीं चलेगा। तो देखना अब यह है कि कब तक ये जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है रनिंग कर रहा है या चल रहा है या नहीं चल रहा है। हालांकि फ्री फायर का मैक्स वर्जन भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप चाहे तो डाउनलोड करके खेल सकते हैं, लेकिन वो भी कितने दिन किसी को भी पता नहीं है। अगर वो भी बैन हो जाता है तो और भी अनर्थ वाली बात है। अगर आपके डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ किया जाएगा तो वो वाजिब में है कि उन एप्लीकेशन को बैन करना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ आज के दौर में अगर आपका 1000 रुपया कहीं पर खोया जाता है तो वो बड़ी बात नहीं, अगर आपका डाटा कहीं पे लीक हो जाता है ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही जानकारी, 54 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं।